हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोनी के चूल्हा। नोनी के चूल्हा में आपको मैं आज चावल के, बचे हुए चावल के बहुत ही यम्मी स्नैक्स बना के दिखाने वाली हूँ, जिसका नाम है फरा, या फिर आप इसे कह सकते हैं लेडी फिंगर फ्राइज। ये देखिए, और इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं, जिसकी रेसिपी भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं हम ये बचे हुए चावल की, फरा कहिए या लेडी फिंगर कहिए, इसकी रेसिपी। ये देखिए, मेरा रात का चावल थोड़ा सा बच गया है। आप इस चाहे तो सुबह चावल बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा चावल बच जाता है तो हम इसे कैसे यूज़ करें ये सोचते हैं, या तो हम फ्राई कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ का फेमस डिश है, जिसको हम फरा कहते हैं। ये देखिए, बचा हुआ चावल जो है, इसमें मैं लगभग धीरे धीरे चावल का आटा मिलाते जाऊँगी, इसमें जितना एक्चुअली मिक्स होगा। और इसे इस तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए, मैंने एक चम्मच नमक लिया है, ये आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। ये इसे धीरे 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 मिक्स करना है। आपको लगे कि इसमें और चावल का आटा डालना है तो इसमें आप चावल का आटा और मिलाइए। इसे एक डो के जैसे तैयार करना है हमें। मैं थोड़ा सा आटा और मिला लेती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारा रात का बचा हुआ चावल थोड़ा कड़ा होता है, तो हम इसे कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर एक सीटी करके नरम भी कर सकते हैं, तो वो हमें डो बनाने में बहुत इजी लगेगा। फिर देखिए, इसमें मैं हल्का सा धीरे धीरे पानी डाल लूंगी। ये देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब इसे इस तरीके से डो बनाना है। अब हल्का सा अपने हाथ में ऑयल लगाना है और छोटे छोटे इसको पकड़ना है, और इसे जैसा हम रुई की बत्तियां बनाते हैं, आप भगवान में जलाते होंगे तो रुई की बनाते हैं ना, दिए में जलाने के लिए, उस तरीके से इसे बनाते जाना है, पतले पतले। जितना पतला बनाए उतना ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, देखिए छोटा छोटा इसका ये लीजिए आप पीसेस, और इसे मलकर इस तरीके से पतले 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 रुई की बत्तियां जैसे इसे बना लीजिए। ये देखिए, मेरे लगभग बनते आ गए सारे, ये कुछ बचे हैं और। देखिए, मेरे सारे बन के तैयार हो गए हैं। इसे आप राइस फिंगर फ्राइज कहिए। ये देखिए, अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तड़का लगाएंगे। मैं आपको उसको दिखाती हूँ किस तरीके से इसे हमें तड़का लगाना है, पकाना है। तो ये देखिए, मैंने तड़के के लिए तैयारी कर ली है। पहले मैं ये एक चम्मच ऑयल ले लूँगी, इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे। फिर उसमें हम एक चम्मच राई, थोड़े से कड़ी पत्ते और थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च डालूंगे। नमक तो मैंने पहले ही आटे में डाल दिया था, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ऑयल हो गया है, तो मैं इसमें देखिए मेरे सरसों भी लगभग होने वाले हैं, कड़क रहे हैं। अब मैं इसमें अपनी लाल मिर्च को डाल देती हूँ। ये देखिए, ये हो गए हैं मेरे। अब क्योंकि हमें अपने इस लेडी फिंगर फ्राइज को पकाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये थोड़ा सा ही है, तो मैं इसमें हाफ बाउल लगभग पानी का तड़का लगाऊंगी। थोड़े देर के लिए से मैं ढक देती हूँ। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, मैं अपने लेडी फ्राइज को इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और इसे मैं ढक दूँगी। ये लगभग हम
ढके हुए को हम लगभग 5 मिनट के बाद ही ओपन करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही अच्छे से पक गए होंगे। ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गए, हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए पानी पूरा सूख गया है। अब इसे हम ये देखिए इस तरीके से ही ये कुरकुरे हो जाते हैं। अब इसे दूसरे साइड से भी हमें कुरकुरे करने हैं, तो फिर आपका लेडी फिंगर फ्राइज तैयार हो जाएगा। फिर से इसे 2-4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद ये आपका रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जो मैं लेडी फ्रेंच फिंगर फ्राइज़ बना रही हूँ, या फरा कहिए, उसके लिए मैं एक चटनी भी तैयार करूँगी। उसमें मैं एक टमाटर मीडियम साइज़ के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 लहसुन और थोड़ी सी हरी धनिया। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे भी खाते हैं, उनको तीखा पसंद नहीं है। ये मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला। अब मैं इसे ग्राइंड करके लाती हूँ। ये देखिए मैंने हरी चटनी पीस के तैयार कर ली है। अब मैं इसे अपने फ्रेंच लेडी फिंगर फ्राइज फरा के साथ सर्व करूँगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा वो रेडी हुआ है कि नहीं। जो देखिए इसको मैं हरी चटनी के साथ अब गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फरा या फिर लेडी फिंगर फ्राइज रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।